अभी फटी जींस का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक और विवाद में फंस गए हैं। वह लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अब रविवार को उन्होंने बयान में भारत को 200 साल तक अमेरिका का गुलाम बताया और इसके साथ ही उन्होंने विवादित बयान में कहा कि लोगों को कोविड-19 के दौरान अगर ज़्यादा राशन पाना था तो उन्हें 2 की जगह ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए थे। तीरथ सिंह रावत के इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखे रिएक्शन आ रहे हैं। लोग उनकी सोच पर थूक रहे हैं। अब बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ने कहा, इस बयान को लेकर ट्वीट किया और उन्हें चुप रहने की सलाह दी है। नैनीताल जिले के रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, कोविड-19 प्रभावितों को हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन दिया गया। 10 थे तो 50 किलो, 20 थे तो क्विंटल राशन दिया। फिर भी जलन होने लगी कि 2 लोगों को 10 किलो और 20 लोगों को क्विंटल मिला। इसमें जलन कैसी, जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए। ये बयान तीरथ सिंह रावत का है, तो आप सोच सकते हैं तीरथ सिंह रावत की सोच कैसी है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी समझ कैसी है समाज को लेकर और देश को लेकर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर ट्वीट करते हुए ओनिर ने कहा, इस आदमी को चुप ही रहना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि रावत ने इस प्रकार का विवादित बयान दिया हो। पिछले ही मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेता लोग दूसरे के कपड़े पर विवादित बयान ही देंगे या रोजगार, शिक्षा और महिला सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे भी। आप इन सभी चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं, तीरथ सिंह रावत की सोच को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।